हम देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं, आप भी एक बेटी दो बेटों के बाप हैं। इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है, बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़ें अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती। वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनजीर भुट्टो, और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है। तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है। आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज उनको सिखाएं। तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं है। धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो, जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है। तो ना कम है ना ज्यादा है, देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन इक्वालिटी। और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म। दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है। ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी खास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है, ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है। ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप। आप किसी चीज को ले तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमजोर ना करें, जैसे लगान में था। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और सबसे खास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नितेश जी ने, मुझे याद है नितेश जी और सिड दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाजा हो गया था कि ये महावीर गीता और बबीता की कहानी है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम, कोई सीरियस, बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी। तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नितेश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I, you know, was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. Mujhe bada uspe maza aaya ki ye kahani ko inhone aise kamal ke tareeke se narrate kiya hai, Nitesh ji ne apne team ke saath, writers ki team ke saath, ki ye aapko waqai ek aise journey pe le jate hain jisme aapko maza bhi aata hai, aap kuch cheeze samajhte bhi hain, aapko aapki aankhein bhi nam hoti hain aur aapko इंस्पिरेशन फील होता है।